यूपी के बहराइच में एमएलसी चुनाव में प्रत्याशियों के चेहरे सामने आने के बाद एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज होने लगी है। समाजवादी पार्टी ने बहराइच श्रावस्ती एमएलसी चुनाव में अमर यादव को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। अमर यादव ने बीते 16 मार्च को ही अपना नामांकन दाखिल कर दिया था। ऐसा माना जा रहा था कि सपा विधानसभा चुनाव की हार से सबक लेते हुए एमएलसी का चुनाव पूरी एकजुटता से लड़ेगी, मगर सोमवार को सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण यादव ने अपनी नामांकन दाखिल कर सभी को हैरत में डाल दिया। सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण यादव अपनी सफाई में कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि पार्टी ने किसी दूसरे व्यक्ति को प्रत्याशी घोषित किया है। एक ही सीट पर सपा के दो दावेदार की मौजूदगी या तो उनकी चुनावी रणनीति का एक हिस्सा है या फिर विद्रोह चुनाव परिणाम से पहले कुछ अंदाजा लगाना जल्दबाजी होगी। उधर भाजपा की प्रत्याशी डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी ने भी सोमवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी भाजपा की उन चंद नेताओं में शामिल है जिनकी छवि सेक्युलर बताई जाती है। अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त प्रज्ञा त्रिपाठी का कहना है कि वे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर काम करती हुई जनपद की सेवा करेंगी। बहराइच श्रावस्ती एमएलसी चुनाव में 20 बूथों पर 3,759 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आगामी 9 अप्रैल को करेंगे। और पूरे संगठन को धन्यवाद देना चाहूंगी, हमारे जिलाध्यक्ष जी को और सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने हमेशा मुझे इस चीज़ के लिए प्रेरणा दी है कि मुझे समाज के लिए कार्य करना है। और मैं निष्ठा से अपने जो भी कार्य हैं जो मुझे करने होंगे वो मैं करती रहूंगी। और सरकार जिस तरह से सबका साथ सबका विकास लेके जो सोच लेके चल रही है, मोदी योगी जी की सोच है, उसी सोच में मैं भी अपनी भागीदारी निभाती रहूंगी, पूरी कर्मठता से निष्ठापूर्वक अपना कार्य करती रहूँगी। क्या आपने समाजवादी पार्टी छोड़ दी है या कोई और कारण? मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, जीवन भर पार्टी का कार्यकर्ता रहूँगा। फिर क्या वजह है जब आपकी पार्टी का एक आदमी कहे? मुझे कोई जानकारी नहीं हुई है क्योंकि समाजवादी पार्टी का नामिशन हुआ है, मुझे इसकी जानकारी नहीं हुई है। अगर जानकारी मिलेगी नेतृत्व जो निर्देश करेगा उसका पालन किया जाएगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।